फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। सो ट्रैकिया का अनदर नेम है विंड पाइप। इसको विंड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो विंड का मतलब है एयर एंड पाइप का मतलब है, आप इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम में जो ट्रैकिया है वो एक लॉन्ग पाइप या ट्यूब की तरह दिखता है, इसलिए इसको पाइप भी कहा जाता है। विंड पाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एयर को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पास करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, इसलिए इसको कहते हैं विंड पाइप। इट इज अ कार्टिलेजिनियस ट्यूब। अगेन लैरिंग्स की तरह ट्रैकिया भी कार्टिलेज से बना हुआ है, लेकिन जो लैरिंग्स के कार्टिलेजेस है वो कंप्लीट है, इसके जो कार्टिलेज है ये इनकम्प्लीट है। सो कार्टिलेजिनियस ट्यूब है ये भी, दैट डिलीवर्स एयर फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड्स हैं। सो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाले जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं लैरिंग्स के, लैरिंग्स से ऊपर वाले, उनको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें क्या आते हैं नेजल कैविटी, फैरिंग्स और वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला लैरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड से नीचे से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है एंड लंग्स आता है। सो ये है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो जो ट्रैकिया है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर को ट्रांसपोर्ट या डिलीवर करने का काम करता है। साइज इसका क्या है, 4 to 5 inches लॉन्ग ट्यूब है ये। सो अराउंड 10 to 11 centimeter लॉन्ग ट्यूब है ये। डायमीटर इसका 1 inch होता है एंड मेल्स में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, दैट व्हाट इज कंडक्टिंग जोन एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी जोन। सो कंडक्टिंग जोन जो भी लंग्स के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, लंग्स के बाहर वाले यानी नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इनको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, क्योंकि ये एयर को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स के अंदर। जो भी लंग्स के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं यानी ब्रोंकाई, एल्वियोली, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि ये गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर ब्रीद इन करवाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करवाते हैं, यानी गैस एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज कंडक्टिंग जोन एंड जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है दैट इज रेस्पिरेटरी जोन, जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये प्रेजेंट है। स्टार्ट्स फ्रॉम लैरिंग्स, सो लैरिंग्स से स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया। सो लैरिंग्स के अंडर भी जो क्रिकोइड कार्टिलेज प्रेजेंट है लैरिंग्स के, वहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है एंड रन्स डाउन द सेंटर ऑफ चेस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। एंड ये जो सेंटर ऑफ चेस्ट है स्टर्नम के बिहाइंड, स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन, उसके पीछे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ चेस्ट तक ये रन करता है एंड इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। मतलब जो ये ट्रैकिया है इसके फ्रंट में तो प्रेजेंट है चेस्ट बोन, स्टर्नम, एंड इसके पीछे प्रेजेंट है ईसोफेगस यानी फूड पाइप। और ये क्रिकोइड कार्टिलेज से स्टार्ट होके कहाँ तक आता है, एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है T4, वहाँ तक ये रहता है। सो स्टार्ट हुआ था लैरिंग्स के क्रिकोइड कार्टिलेज से एंड एंड हुआ T4 फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। अब फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है कैरिना। सो कैरिना पे T4 पे ये डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकस में एंड लेफ्ट ब्रोंकस में। राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाता है। सो एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्रा एट कैरिना इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। सो C6 सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जो ट्रैकिया है इसकी लोकेशन है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, सो ट्रैकिया का स्ट्रक्चर क्या है। सो ट्रैकिया आपको पता है कार्टिलेजिनियस ट्यूब है। सो ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ 16 टू 20 इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स ऑफ हायलिन कार्टिलेज। सो ट्रैकिया किससे बना है, हायलिन कार्टिलेज, जो कि एक रिंग की तरह सी शेप के होते हैं। सो ये है कार्टिलेजेस, सी या यू शेप्ड भी कह सकते हैं, सी शेप्ड के रिंग शेप्ड कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में एंड इनका नंबर 16 टू 20 होता है, यानी ये वरी करता है नंबर, लाइन वन अबोव द अदर। सो एक के ऊपर एक कार्टिलेज प्रेजेंट है ट्रैकिया में, लाइन वन अबोव द अदर। सो ये जो कार्टिलेजेस है ये हायलिन है।
मतलब कि कार्टिलेज के कई टाइप होती हैं, फाइब्रस, इलास्टिक और हाइलिन। हाइलिन कार्टिलेज का क्या मतलब है? हाइलिन कार्टिलेज वहाँ प्रेजेंट होता है जो सपोर्ट का काम करता है, जो होल्ड रखने का काम करता है। सो किसी स्ट्रक्चर को अगर एक जगह पर होल्ड करना है तो वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। हाइलिन कार्टिलेज इन कार्टिलेजेस को, ट्रैकिया को होल्ड करने का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये ट्रैकिया कोलैप्स ना हो। इसमें जो एयर है वो हर टाइम पास होती रहे, ओपन रहे हमेशा ट्रैकिया। सो द रिंग्स आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली वेयर इट लाइज अगेंस्ट द ईसोफेगस। सो ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट है ईसोफेगस। सो एंटीरियरली मतलब ट्रैकिया के फ्रंट साइड पे, सो सपोज दिस इज अ ट्रैकिया, सो ट्रैकिया के फ्रंट साइड पे ये जो रिंग्स है ये कंप्लीट है, लेकिन पोस्टीरियरली पीछे साइड, पिछली साइड जहाँ पर सपोज ये ट्रैकिया है एंड ये ईसोफेगस है, सो ईसोफेगस पीछे प्रेजेंट है ट्रैकिया फ्रंट में। सो फ्रंट में जो कार्टिलेजेस है वो कंप्लीट है, लेकिन पीछे जहाँ ट्रैकिया ईसोफेगस से अटैच है वहाँ पर जो रिंग्स है वो इनकम्प्लीट है, ताकि ड्यूरिंग स्वेलोइंग जब फूड स्वेलो करते हैं तो जो ईसोफेगस है वो अच्छे से एक्सपेंड हो सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए जो ट्रैकिया का पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर ये रिंग्स प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर रिंग्स इनकम्प्लीट है। फ्रंट में एंटीरियरली साइड ट्रैकिया में ये रिंग्स कम्प्लीट हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इन कार्टिलेजेस का प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। ये हमेशा ट्रैकिया को ओपन रखने का काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि ट्रैकिया हमेशा ओपन रहे, कभी भी कोलैप्स ना हो, बंद ना हो जाए, ताकि एयर जो है स्मूथली पास होती रहे ट्रैकिया से आगे दूसरे स्ट्रक्चर्स में। अब वॉल ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया किस वॉल से बना है, कितने टिश्यू से बना है? तो 3 layers ऑफ टिश्यू से ट्रैकिया बना है, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू की है। सो आउटर जो लेयर है ट्रैकिया की वो फाइब्रस है और इलास्टिक है, जो कि कार्टिलेजेस को इनक्लोज कर रही है आउटर लेयर। देन मिडल लेयर जिसमें कार्टिलेजेस आते हैं, इसमें क्या ब्लड एंड लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है और ये स्मूथ मसल से बना है। मिडल लेयर स्मूथ मसल से बना है, इसमें कार्टिलेजेस आते हैं, ब्लड एंड लिम्फ वेसल एंड नर्व्स आती हैं। जो इनर लेयर है वो सिलिएटेड कॉल्यूनर एपिथीलियम से बना है। तो जो लाइनिंग है अंदर की ट्रैकिया की वो सिलिएटेड कॉल्यूनर एपिथीलियम से बना है। इट मीन्स सिलिएटेड मतलब वहाँ सीलिया प्रेजेंट है हेयर लाइक, एंड गोब्लेट सेल्स प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया? सो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है सपोर्ट एंड पेटेंसी। सो जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं ट्रैकिया में, सी शेप्ड कार्टिलेजेस, वो ट्रैकिया को सपोर्ट और पेटेंसी प्रोवाइड करते हैं। पेटेंसी मतलब जो ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखते हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, एंड ओपन रखने की वजह से जो एयर है वो बिना रुकावट के उसमें फ्लो करती रहे, उसको बोलते हैं पेटेंसी। एंड जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं ट्रैकिया के अंडर, जो स्मूथ मसल या सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैकिया को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो ट्रैकिया वो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट है, सो जो जैसे हमारी नेक मूव करती है, सो ट्रैकिया को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज। प्लस सॉफ्ट टिश्यूज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स, ये डायमीटर को भी कंट्रोल करते हैं ट्रैकिया के। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजेस एंड स्मूथ मसल, जो कि ट्रैकिया को सपोर्ट एंड पेटेंसी प्रोवाइड करते हैं। देन म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर क्या होता है? सो ये है लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया की लाइनिंग में गोब्लेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एंड इसी लाइनिंग के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ही कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरन पार्टिकल इन सीलिया के ऊपर आता है, चिपक जाता है, तो जो म्यूकस है उसमें वो चिपक जाता है, एंड ये सीलिया जो है आपस में कोऑर्डिनेटली रेगुलेटरी बीट करते हैं। इनकी वाइब्रेशन होती है, बीटिंग होती है, जिसके कारण जो म्यूकस में चिपका हुआ फॉरन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल है वो इसके थ्रू आगे आगे मूव हो जाता है, एंड देन हमारे माउथ से, या तो माउथ में हम उसको स्वेलो कर लेते हैं, देन वो फीसिस से निकल जाता है, या फिर हम स्नीजिंग के थ्रू उसको छींक के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। इसको बोलते हैं म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर। थर्ड है कफ रिफ्लेक्स। जो हमारा ट्रैकिया है वहाँ पर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि कफ के लिए या किसी भी इरिटेंट के लिए, अगर कोई भी इरिटेंट एंटर हो जाता है हमारे नोज के थ्रू, जैसे कि डस्ट पार्टिकल या फॉरन पार्टिकल, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है नर्व एंडिंग्स। जैसे ही कोई भी इरिटेंट इन नर्व एंडिंग्स को टच करता है तो क्या होता है कि ब्रेन को सिग्नल जाता है थ्रू वेगस नर्व।
जब ये सिग्नल ब्रेन को जाता है तब क्या होता है, हम एक डीप इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब एयर को अंदर डीपली इंस्पायर करते हैं। ऐसे डीप इंस्पिरेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्लोज हो जाती है, देन वोकल कॉर्ड्स ओपन होती है, एंड ये जो इंक्रीज प्रेशर है हमारे इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स का या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, वो फोर्सफुली एयर को बाहर फेंकते हैं मुंह के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कफ। सो फोर्सफुली जब एयर बाहर एक्सपेल होती है तो कोई भी जो इरिटेंट एंटर हुआ था बॉडी में वो बाहर एक्सपेल हो जाता है माउथ के थ्रू या कफ के थ्रू। देन लास्ट आता है वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। सो क्योंकि लाइनिंग में म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, म्यूकोजा प्रेजेंट है, जिसमें रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, तो जो एयर अंदर एंटर हुई है वो वार्म हो जाती है, जैसे ही वो म्यूकोजा के ऊपर ट्रेवल करती है ह्यूमिडिफाइंग हो जाती है, म्यूकोजा के थ्रू उसमें जो वाटर वेपर्स है वो ऐड हो जाते हैं, तो जो एयर ड्राई थी वो मॉइस्चराइज एयर हो जाती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिफाइंग एयर। और यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है तो एयर जो है फिल्टर भी हो जाती है, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स है, फॉरन पार्टिकल है, वो सीलिया में ही अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, और देन कफ रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।